भाई हमने जो है ये फ्लिपकार्ट से एक ब्लूटूथ हेडफोन ऑर्डर किया था जो है इन्फिनिटी का। जो प्राइस है वो है 964 और ये है इन्फिनिटी का ब्लूटूथ हेडफोन जो 7 घंटे अभी बोल रहा है कि चार्ज देगा। इसके साथ हमको चार्ज करने के लिए एक केबल मिल जाता है और एक मैनुअल वारंटी कार्ड। तो बस यही है। और ये मैग्नेट भी है। हेलो भाई दोस्तों बुजुर्गों, कैसे हैं आप? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके इस चैनल इशाक फिशरीज पे। और आज हम जा रहे हैं मालदा सोदुल्लापुर श्मशान, मालदा गौड़ यूनिवर्सिटी पार करने के बाद जहाँ से न्यू बाईपास शुरू हुआ है वहाँ से आपको राइट लेना पड़ेगा, ठीक ये वाले रेल गेट के रास्ते पर। तो सोदुल्लापुर जाने के रास्ते में ये पेट्रोल पंप मिलेगा है आपको इंडियन ऑयल का। तो अभी हम लोग को पेट्रोल नहीं मिला वहाँ पे, और फिर भी गाड़ी में पेट्रोल है, हम लोग सोचा था थोड़ा बहुत ले लेते क्योंकि ये गाड़ी जो है बहुत पीता है ऑयल। तो हम लोग अभी आ गए हैं और ये वाला है सोनारगांव रेस्टोरेंट, यहाँ पे लगाओ गाड़ी। यहाँ पे बहुत अच्छा मिलता है भाई। ये जो रेस्टोरेंट है वो थोड़ा हाइजीन का ख्याल रखता है और मैं जब भी आता हूँ तो यहीं से खाता हूँ पूड़ी, जो दिखने में हाथी के पैर जैसा है इसीलिए इसको हाथी पाई या लूची भी कहा जाता है। तो पूड़ी जो है अभी आ चुका है, इधर पानी का बोतल भी आ गया है और आ गया सब्जी। कितना लॉन्ग का हबीब है, तो दाम ही कुछ और कुछ भी बना बुढ़िया। खाना हो गया है और अभी हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं बाबू? एक गोपन डेरा है हाँ हमारा। काम चल रहा है इसका, यहाँ का ड्रेनेज का जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो रहा है अभी। और यहाँ पे देख सकते तो पूरा जोर और शोरों से काम चालू है दोस्तों। बरसात के टाइम पे जो प्रॉब्लम होता था वो पूरा सॉर्ट आउट हो गया है दोस्तों। इस जगह में हम बहुत बार आ चुके हैं और यहाँ का जो विंटेज लुक है वो हमको बार बार इस जगह पे खींच के लाता है। गेट के घुसने से पहले ही हम लोगों को देखने को मिला ये कबूतर का झुंड। बाबू भाई भी बहुत कबूतर से प्यार करता है इसलिए उन्होंने एक चकना अपने तरफ से कबूतर को ट्रीट में दिया। गेट के घुसते ही राइट साइड पे एक चाय का दुकान है जो ये दीदी का है और दीदी अभी जो है यहाँ पे जितने भी बंदर हैं सबको फ्रूट्स खिला रहा था। इनमें से कुछ बंदर तो बहुत ही छोटा है दोस्तों, आप देख ही सकते हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अंदर का नजारा। घुसते ही राइट साइड पे डेड बॉडीज को नहलाने का बंदोबस्त किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी एक डेड बॉडी है इसीलिए वीडियो नहीं करते हैं। चलिए थोड़ा
इस तरफ का जो जगह है दोस्तों, वहाँ पे पुराने तरीक़ों से अंतिम संस्कार किया जाता है, इसीलिए जगह थोड़ा आपको गंदा दिखेगा, लेकिन उतना गंदा है नहीं। और ऊपर का जो जगह है वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर प्लांट्स लगाए गए हैं कि जो जगह है वो दिखने में अच्छा लगे। इसके पीछे ही एक बहुत बड़ा सा बिल्डिंग है, वहाँ पे है दो इलेक्ट्रिक चुल्ली और इससे अभी काम हो रहा है। ये जो पेड़ है दोस्तों वो बहुत पुराना पेड़ है, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा नाम टंगा हुआ है। इस तरफ सभी देवी देवताओं का मंदिर है दोस्तों, और इस तरफ का जो जगह है यहाँ पे कीर्तन वगैरह होता है। ये देखिए काम बहुत चल रहा है जोरों शोरों से। और ये है लाल बाबा का मंदिर,